उसके बाद लॉगिन करने के बाद सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका होम पेज, जो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, टैब्स हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे। जो सबसे पहला है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही आपको शो करेगा आपकी आईडी का करेंट स्टेटस क्या है, वो एक्टिव है, इनएक्टिव है, अगर एक्टिव है तो कितने दिन के लिए। सपोज इसमें दिखाई दे रहा है जैसे 28 डेज के लिए आईडी एक्टिव है। आप यहाँ पे अपने पास्ट वन वीक और करेंट वीक का देख सकते हैं, टू वीक्स के साथ टोटल थ्री वीक्स का कितने लेफ्ट राइट आपके पीवी टोटल आए थे और आपकी आईडी यानी नेक्स्ट एक्टिवेशन डेट क्या है। अगर आपकी आईडी इनएक्टिव है तो ऐसा शो करेगा इनएक्टिव और एक्टिवेट करने के लिए, और सेम थ्री वीक्स आप यहाँ पे अपनी पीवी देख सकते हैं लेफ्ट राइट का। तो सब नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें जीनोलॉजी, जीनोलॉजी यानी जो आपका ट्री है, जहां आप देख सकते हैं आपने कहां कहां लोगों को स्पॉन्सर किया है, आईडी वगैरह प्लेस करी है, तो ये कुछ ऐसा शो करेगा। यहाँ पे कुछ चीजें आप और भी देख सकते हैं, टोटल लेफ्ट लेग काउंट यानी लेफ्ट साइड आपके टोटल कितने हैं और राइट साइड कितने हैं, और उसके नीचे एक्टिव यानी जिन जिन की आईडी एक्टिव है वो कितने हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ एक ऑप्शन है सर्च का, सपोज हमें आईडी याद नहीं रहती है आपके ट्री में, अगर आपकी जैसे जैसे टीम साइज बढ़ता जाएगा आपको लोगों की जो आईडिया याद नहीं रहेगी, तो आप नाम के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ आपको राइट साइड मिलता है, कुछ भी नाम डाल के आप यहाँ सर्च करेंगे, उस नाम के जितने भी लोग हैं वो आपको लिस्ट में दिखा देंगे, उसके बाद आप उनकी आईडी डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका ट्री है, यहाँ किसी की आईडी अगर आपको प्लेस करनी है तो आईडी प्लेस करने के लिए यहाँ एक ऑप्शन है एनरोल का, लेकिन उससे अच्छा तरीका है आप डायरेक्ट जीनोलॉजी खोल के जहां उसकी आईडी पर्टिकुलर जगह प्लेस करनी है वहां पर क्लिक कीजिए। सपोज किसी की आईडी यहाँ क्लिक कर, मतलब प्लेस करनी है, आपने यहाँ क्लिक किया तो ये कुछ ऐसा आपके सामने आएगा। सबसे पहले यहाँ ऑप्शन है सेलेक्ट कंट्री का, जैसा कि हम सब जानते हैं हम लोग ऑलरेडी अभी तीन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, इंडिया, दूसरा नेपाल और तीसरा यूएसए। तो यहाँ आप ऑप्शन चूज करेंगे, सबसे पहले जैसे इंडिया ऑप्शन लेते हैं, नीचे टर्म्स कंडीशंस है उस पर आपको चेक मार्क करना है, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा। अगर आपके पास करेंटली वो मोबाइल नंबर या वो पर्सन अवेलेबल है तो आप यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करके उस पे एक ओटीपी आएगा 4 डिजिट का, वो एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास बाय चांस वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, आप किसी और की आईडी लगा रहे हैं या कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस को बाद में भी कर सकते हैं। आप यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पर जो एक टिक मार्क है प्रोसीड विदाउट ओटीपी यानी बिना ओटीपी वन टाइम पासवर्ड के अलावा आप इसको कर सकते हैं, तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि अगर आप ओटीपी से वेरीफाई नहीं करते मोबाइल नंबर तो आपका ऑर्डर डिस्पैच नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की मोबाइल वेरीफाइड नहीं है तो उसका ऑर्डर होल्ड कराएगा, अगर डिस्पैच के लिए है तो, अगर पिकअप है तो आप जाके ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स खुल के आएगी, जैसे आईएफएससी कोड डालेंगे तो पहले क्या होता था सारी डिटेल फिल करनी होती थी, बट अब ऐसा नहीं है, आईएफएससी कोड एंटर करते ही वो अपने आप बैंक का ब्रांच, सिटी, स्टेट ये सब कुछ ले लेगा। आपको नाम, अकाउंट नंबर डालना है। कई बार आपने देखा होगा किसी का पैन कार्ड में नाम अलग है और आधार कार्ड में अलग है, बैंक अकाउंट में अलग है, तो उस समय लोगों को डाउट होता है कि नाम डालना कौन सा है। नाम वही डालना है जो उसके बैंक अकाउंट में है, क्लियर है, ज्वाइंट अकाउंट है तो वही नाम एज इट इज जो पासबुक में या चेकबुक में दिख रहा है वही आपको एंटर करना है यहाँ पर। उसके बाद बाकी डिटेल आप फिल करेंगे, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, और उसके बाद को एप्लीकेंट, जैसे हस्बैंड है तो उनकी वाइफ हो सकती है, वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, अनमैरिड है तो मदर, फादर, जिनको भी आप कोएप्लिकेंट बनाना चाहें उनके साथ रिलेशन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट में प्लेसमेंट आईडी, तो बाय डिफॉल्ट वही लेगा जहां आपने क्लिक किया था प्लस के सिंबल पर, वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। स्पॉन्सर आईडी, कई बार ऐसा होता है कि सपोज आप ऑलरेडी स्टार है लेकिन आपके उसके अलावा 2, 4, 10, 20 और भी दोस्त है जिनको आप स्पॉन्सर करना चाहते हो पर्सनली, तो अगर आपने इसको चेंज नहीं किया ये बाय डिफॉल्ट वही लेगा, जो प्लेसमेंट आईडी है ऑटोमेटिक उसी को उठा लेगा एज ए स्पॉन्सर। बट अगर आपको खुद से स्पॉन्सर करना है तो आप यहाँ पे अपनी आईडी डाल देंगे जो भी आपकी आईडी है, और यहाँ आईडी डालने के बाद आप वेरीफाई कर लेंगे कि ये नाम आपका शो कर रहा है नहीं, या जिससे भी आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं उसका नाम शो कर रहा है नहीं कंफर्मेशन के लिए। फिर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ तीन ऑप्शन आएंगे जो हमारी केवाईसी का है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेकबुक की जो है फोटो, कैंसल्ड हो, कैंसल ना भी हो, या पासबुक के फ्रंट पेज की फोटो जिसमें आईएफएससी कोड लिखा हो क्लियरली, और ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेट फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब सीधा, ऐसा नहीं कि पैन कार्ड उल्टा है, चेक उल्टा है,
और यहाँ आपको तीनों ब्राउज करके दिखा देने हैं, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, पीडीएफ वगैरह नहीं लेता। फिर नेक्स्ट करते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं जैसे ब्राउज करके दिखा दिया। फिर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपसे पासवर्ड पूछेगा, जो आपने नया डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट किया है जो करने वाले हैं उसकी आईडी का पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी चाहे 123 विवा 123 वो बाद में चेंज भी कर सकते हैं जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा रिव्यू का। जब तक आप इस रिव्यू पे जाकर टिक नहीं मारेंगे कि आपने रिव्यू कर लिया है, तब तक आप क्रिएट पे करेंगे तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने डिटेल्स फिल करी है ये सब आपको एक साथ दिखाएगा यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप जैसे ही क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करेंगे वो आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। सेम उसी तरह अगर नेपाल की कोई आईडी आप लगाते हैं तो नेपाल में कूपन कोड होता है, जो भी नेपाल की आईडी लगाना चाहते हैं वो बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि कूपन कोड क्या होता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा यूएसए। यूएसए में भी ठीक उसी तरह आप यूएस लेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ फोन नंबर एंटर करेंगे, यहाँ ओटीपी का सिस्टम नहीं होता है, डायरेक्ट केवल मोबाइल नंबर डालना होता है। उसके बाद सेम वही डिटेल है जैसे हमारे यहाँ बैंक का आईएफएससी होता है, वहाँ अलग चीजें होती है, राउटिंग नंबर होता है, बैंक अकाउंट, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं, अकाउंट होल्डर नेम है, नेम एड्रेस, और वहां पर एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है जिसको SSN बोलते हैं, वो आपको उस पर्सन से लेना होगा जिसकी आईडी भी आप लगा रहे हैं। लगाने के बाद सारी डिटेल फिल करेंगे, सेम चीजें हैं, उसके बाद आपकी वो आईडी क्रिएट हो जाएगी यूएस की, बाकी प्रोसेस सेम है। नेक्स्ट जो हमारा टैब है वो है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में आप देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट ऑर्डर ट्रेंड यानी ऑर्डर का क्या ट्रेंड रहा है, उसके अलावा रैंक का क्या ट्रेंड रहा है, ये आप देख सकते हैं ग्राफिकल मोड में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वॉल्यूम्स। ये एक बहुत अच्छा है, इसमें आप देख सकते हैं आपकी पर्टिकुलर किसी वीक पे लेफ्ट साइड किस पर्सन के कितने कितने पीवी आए थे। जैसे आपको डैशबोर्ड में टोटल दिखता है मान लीजिए 200 पीवी, लेकिन आपको पता नहीं होता है वो 200 किसके हैं, हो सकता है 25-25 करके 8 लोगों का हो या सिंगल पर्सन का हो, वो आप यहां से चेक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड किसी भी वीक का डाल के आप यहां पे इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा माय अकाउंट। माय अकाउंट के अंदर फिर ये और भी टैब आते हैं जिसमें आपका जो सबसे पहला है, हाँ जी, वेलकम कार्ड। वेलकम कार्ड पर क्लिक करते हैं तो कंपनी ने आपको जो आपके नाम के साथ एक वेलकम कार्ड क्रिएट करके रखा है वो आप डायरेक्टली यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ फॉर्म में ऐसे खुल जाएगा आपके नाम आईडी और आपके एड्रेस के साथ, ये आपका वेलकम कार्ड है। दूसरा ऑप्शन है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड है कंपनी, ठीक उसी तरह आप क्लिक करते हैं, ये लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे ये आपकी आईडी बन के आ जाएगी, आप उसको प्रिंट आउट करा के लैमिनेट करा के रख सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी है इंडस्ट्री का। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंश्योरेंस कार्ड। सभी यहाँ 250 है, 250 आने के बाद हमें कितने लाख का इंश्योरेंस मिलता है, 5 लाख। तो ये इंश्योरेंस कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक करेंगे ये लिंक आएगा यहाँ पे, लिंक पे क्लिक करने के बाद ये आपका इंश्योरेंस कार्ड है, इसको आप प्रिंट आउट करा के लैमिनेट करा के अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ये आपका काम आएगा। यहाँ आपको दिखाएगा वैलिडिटी, कस्टमर केयर और क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आप इसको क्लेम कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें लिखी है। नेक्स्ट है हमारा पीसीएम कार्ड। कितने लोग पीसीएम है यहाँ पर, प्रेसिडेंशियल क्लब मेंबर। ये ऑप्शन उन्हीं के लिए हाईलाइट होगा जो पीसीएम है, अगर आप पीसीएम नहीं है आप क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप पीसीएम है आप उस पर क्लिक करते हैं तो ठीक उसी तरह लिंक खुलेगा, और लिंक खुलने के बाद ये आपका पीसीएम का कार्ड है, इसको भी आप डाउनलोड करा के प्रिंट आउट करा के अपने पर्स में रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉलेट। ये एक नया सिस्टम कंपनी ने इसमें बनाया है अपने जो प्रोसेस को, ऑर्डर के प्रोसेस को इजी करने के लिए और स्मूथ करने के लिए। वॉलेट के अंदर भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक ई वॉलेट, दूसरा UPI वॉलेट और तीसरा NEFT वॉलेट। तो एक एक करके जानते हैं ई वॉलेट क्या है। सबसे पहले आप ई वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएंगे, कॉन्फिग ई वॉलेट यानी कॉन्फिगर। तो कॉन्फिगर में क्या है, सपोज आपको पता है आपका पे आउट 2500 रुपए बनने वाला है, तो आप मिनिमम 1000 अमाउंट, कम से कम 1000, उससे ज्यादा सॉरी उससे कम नहीं, 1000 और मैक्सिमम जितना आपका पे आउट बनने वाला है टैक्स कटने के बाद, वो अमाउंट आप यहां डाल सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, मिनिमम 1000 और मैक्सिमम जितना आपका उस वीक का पे आउट बन रहा है वो आप यहां एंटर करेंगे,
और सबमिट कर देंगे तो वो पे आउट आपके बैंक अकाउंट में ना आकर कंपनी के ई वॉलेट में चला जाएगा। क्लियर है? ई वॉलेट समझते हैं, जैसे पेटीएम है, क्या है वो? एक तरह का वॉलेट है। तो उस पैसे का आप यूज कर सकते हैं कंपनी के कभी भी प्रोडक्ट परचेज करने में। क्लियर है? अभी क्या होता है कि हम एनईएफटी करते हैं, वो अप्रूव होता है, 2 से 3 दिन का समय लगता है, लेकिन ई वॉलेट से वो हैंड टू हैंड अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी किसके पास है? कंपनी के पास है। तो ये बहुत ही फास्ट मेथड है, तो ये यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसको कंपेयर कर दिया सपोज 3000 रुपए के लिए या 3100 रुपए के लिए, तो ये आप जब तक ऑफ नहीं करेंगे, ऑफ करने का मतलब है आपको यहाँ पे खोल के जीरो उसके बाद सबमिट करना होगा, नहीं तो ये आपका हर वीक 3100-3000 जितना अमाउंट आपने डाला है हर वीक आपके ई वॉलेट में आता रहेगा। वन टाइम नहीं है ये, दोबारा बता रहा हूँ, आपने अगर 1000 डाल दिया तो हर वीक आपके पे आउट से 1000 रुपए ई वॉलेट में आता रहेगा। आप नहीं चाहते हैं नेक्स्ट वीक आए, आपको यहाँ आकर जीरो डालना होगा और सबमिट करना होगा, तब आना बंद होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फंड ट्रांसफर। सपोज आपके ई वॉलेट में 5000-6000 रुपए है और आपको इमरजेंसी में किसी आपकी टीम में किसी पर्सन को प्रोडक्ट चाहिए, अब वो एनईएफटी करते हैं, यूपीआई करते हैं, तो उनको 2 से 3 दिन का समय लगेगा। तो अगर आपके ई वॉलेट में पैसे हैं तो आप यहाँ अपनी आईडी से किसी और की आईडी पर डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे पेटीएम यूज करते हैं, पेटीएम टू पेटीएम ट्रांसफर करते हैं, उस तरह ई वॉलेट टू ई वॉलेट ट्रांसफर का कंपनी ने ऑप्शन दे रखा है। आप किसी को भी 3100 रुपए ट्रांसफर कीजिए, फिर वो अपनी आईडी से डायरेक्ट ऑर्डर कर लेगा, हैंड टू हैंड आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, ऑर्डर अप्रूव हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है ई वॉलेट लेजर। लेजर यानी आपका लेखा जोखा ई वॉलेट का, आपने अब तक जितनी भी ट्रांजेक्शन करी है, जितना पे आउट आया गया, आपने कितना ऑर्डर किया, स्टेटमेंट एक तरह से कह सकते हैं, जैसे ये शो हो रहा है, ये अमाउंट डाला, फिर इतने का प्रोडक्ट ऑर्डर किया, इतना बचा, फिर इतना आपने अकाउंट में ट्रांसफर किया। सपोज आपके ई वॉलेट में पैसे हैं और आप चाहते हैं, आपको उसकी जरूरत है, आप चाहते हैं वो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए आप लास्ट ऑप्शन लेंगे ई वॉलेट टू अकाउंट। ई वॉलेट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ अमाउंट डालेंगे, मैक्सिमम अमाउंट आप उतना ही डाल सकते हैं जितना आपके ई वॉलेट में है, या उसमें से पार्शियल अमाउंट भी डाल सकते हैं। वो डालेंगे तो वो अमाउंट जो अगला पे आउट आपका बनेगा, जो कंपनी ट्रांसफर करती है वेडनेसडे हो या ट्यूजडे हो, वो आपके अकाउंट में ई वॉलेट का अमाउंट भी आ जाए। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट यूपीआई वॉलेट। यूपीआई वॉलेट क्या है? अभी जैसे हम ऑर्डर करते हैं गूगल पे से या किसी भी यूपीआई से, तो उसको अप्रूव होने में कुछ समय लगता है, तो आप उस अमाउंट को एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं पहले से, जैसे पेटीएम में हम कार्ड से या किसी भी तरह ऐड करके छोड़ देते हैं, जब जरूरत होती है तो यूज करते हैं। तो ठीक उसी तरह आप यूपीआई वॉलेट में भी अमाउंट ऐड करके पहले से रख सकते हैं स्टोर करके। यूपीआई वॉलेट आप ओपन करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन मिलेगा आपको, यूपीआई डिपॉजिट और यूपीआई लेजर। यूपीआई डिपॉजिट में आप जाएंगे तो मेथड वही है, आपको यहाँ यूपीआई का ट्रांजेक्शन नंबर डालना है, अमाउंट डालना है, और आपने कंपनी के किस बैंक में ट्रांसफर किया है। कंपनी के 3 बैंकों में अकाउंट है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और तीसरा एसबीआई बैंक, वो ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा तीनों, ये आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद उसकी चालान की या जो भी स्क्रीनशॉट आपने मोबाइल से लिया है वो अपलोड करेंगे इसमें। अपलोड करने के बाद यहाँ आप डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी डालेंगे जिसकी आईडी पे आप ऑर्डर करना चाहते हैं, मिनिमम 2 डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए। तो कोई भी डाउट है इसमें तो अभी इसका फिलहाल यूज ना करें जब तक पूरी जानकारी ना होती है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। यहाँ 2 डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी और कितना कितना अमाउंट आपको डालना है वो डालेंगे तो वो डायरेक्ट उस डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर यहाँ से प्लेस कर सकते हैं आप। ठीक है? यूपीआई लेजर सेम चीज है, आपने कितना डिपॉजिट किया उसमें से कितना ऑर्डर किया कितना बचा ये आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक उसी तरह एनईएफटी वॉलेट है, यूपीआई के लिए एनईएफटी, अगर आपने कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए या कैश डिपॉजिट किया तो। अगर आप कार्ड से अभी पेमेंट करते हैं तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं? 50 रुपए पर प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि पर ऑर्डर, कुछ लोगों को डाउट है, पर ऑर्डर नहीं, पर प्रोडक्ट है ये 50 रुपए। अगर आप कंपनी के अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराते हैं तो भी आपको ये चार्ज लगता है 50 रुपए पर प्रोडक्ट। तो अगर आपने कैश किया है तो यहाँ ऑप्शन लिखा आ जाएगा कैश डिपॉजिट में आपको एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो लगेंगे, तो कैश की आप रिसिप्ट यहाँ अपलोड करेंगे तो एनईएफटी वॉलेट में चला जाएगा, आपका एक्युमुलेट हो जाएगा पैसा जितना भी आपने किया है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल इनकम। हाँ, टोटल इनकम में आप देख सकते हैं आपकी अब तक टोटल कितनी इनकम है इंडस्ट्री से,
INR यानी इंडियन नेशनल रुपीज और डॉलर में आप यहां से चेक कर सकते हैं। और नीचे है माय अकाउंट्स, इसको आप एक्सपेंड करेंगे, यहां जैसे क्लिक करेंगे आपको आपके लास्ट 13 वीक की इनकम यहां पे शो करेगा। अगर आपको 13 वीक नहीं हुए हैं तो उतना जितना लास्ट है उतना आपको यहां शो करेगा। और उसका स्टेटस यहां से आप ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर वगैरह देख सकते हैं किस डेट को और आपके कहां पर ये पेड हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिडक्शन लिस्ट। यहां कुछ डिडक्शन होते हैं, जैसे कि हमें इंश्योरेंस मिलता है वो पर ईयर रिन्यू होता है बट आफ्टर स्टार्ट 499 के चार्जेस है। जैसे हम विवा वाइफ की मैगजीन लेते हैं 99 रुपीज की आती है, ये आपको यहाँ डिडक्शन लिस्ट दिख जाएगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 99। कई बार लोग बोलते हैं कि सर मेरे पे आउट में 100 रुपए या 99 रुपए कम आया है, वो आप डिटेल में देखेंगे तो पता चलेगा। विवा वाइफ जो मैगजीन मिलती है कंपनी की क्वार्टरली, उसका डिडक्शन होता है। उसके बाद है कमीशन रिपोर्ट। ये कमीशन रिपोर्ट है आपकी जो आपको आपने जब से ज्वाइन किया है कंपनी के 1 वीक से लेकर करंट वीक तक का टोटल है। आप क्लिक करते हैं तो आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट दिखाएगा कि आपके लेफ्ट पीवी कितना आया, राइट पीवी कितना आया, लेफ्ट कैरी फॉरवर्ड कितना चल रहा, राइट ये कितना चल रहा है, और आपका टीडीएस कितना कटा, डिडक्शन कितने हुए, फाइनल आपको कंप्लीट यहाँ दिखाएगा। जैसे अभी कुछ लोग आने मतलब एक दो दिन पहले बोल रहे थे कि सर मेरा कैरी फॉरवर्ड शो नहीं कर रहा है, हो सकता है कंपनी के सॉफ्टवेयर में कुछ अपग्रेडेशन चलती रहती है, कुछ दिक्कतें आती है, तो पैनिक नहीं होना है उस समय। आप कमीशन रिपोर्ट खोल के चेक कीजिए, यहां आपको हमेशा एग्जैक्ट दिखाएगा आपके जितने कैरी फॉरवर्ड है। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टार्ट 250 एंड अबव, सॉरी माय अकाउंट के बाद है रॉयल्टी। रॉयल्टी जैसा कि आप जानते हैं कब आती है रॉयल्टी, डायमंड के बाद। तो आप यहां क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा आपके कोएप्लिकेंट कौन है, क्योंकि जो रॉयल्टी होती है कोएप्लिकेंट के अकाउंट में आती है। डायमंड एंड अबव है तो दिखाएगा कब से आपको रॉयल्टी आ रही है। नेक्स्ट है हमारा माय एनरोली। माय एनरोली यानी आपने पर्सनल स्पॉन्सर कितने किए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। लेफ्ट और राइट का ऑप्शन मिलेगा आपको, आप यहां से चेक कर सकते हैं और ये सारी लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल में। माय एनरोली के बाद है स्टार्ट 250 एंड अबव। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं जो स्टार्ट 250 एंड अबव है, उनकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं लेफ्ट राइट में, उनके स्टेटस ईमेल आईडी ये एक साथ लिस्ट में आपको शो करता है। उसके बाद है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। आप यहां से देख सकते हैं कि एवरी वीक आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन नया डिस्ट्रीब्यूटर आया है, जैसे आपका टीम साइज बड़ा होते जाता है। स्टार्ट 250 में कितने लोग होते हैं मिनिमम 6, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 600 लोग हो जाए तो आपको पता नहीं चलता है कि कहां कब कौन सा नया डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो आपकी इसकी पूरी डिटेल के साथ नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका स्टेटस सब कुछ शो कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोफाइल। प्रोफाइल में ओपन करते ही आपको दो ऑप्शन आएंगे, पहला है डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल और दूसरा है अपलोड केवाईसी। यहां पर ऊपर है ऑप्शन केवाईसी वेरीफाइड, मोबाइल वेरीफाइड। अगर आपका मोबाइल वेरीफाइड है तो ये ग्रीन शो करेगा, केवाईसी वेरीफाइड है तो ग्रीन शो करेगा, अगर नहीं है तो रेड शो करेगा। तो इसका मतलब आपको समझ जाना है, जैसा कि आपको बताया मोबाइल वेरीफाइड नहीं है तो क्या नहीं होगा, प्रोडक्ट डिस्पैच नहीं होगा कंपनी के हब से, चाहे कोई भी हब हो। और अगर केवाईसी वेरीफाइड नहीं है तो क्या होगा, पेमेंट आपका होल्ड पे रहेगा। अगर पैन कार्ड आपने अपलोड नहीं किया तो क्या होता है, 20% टीडीएस कटता है। तो कई बार ये समस्याएं आती है, चैलेंजेस आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, उनसे छूट जाता है, रह जाता है, या क्लियर इमेज नहीं होती है, कंपनी रिजेक्ट कर देती है, वो ध्यान नहीं देते हैं और उनका टीडीएस 20% कट के आता है। फिर वो अपलाइन को बोलते हैं सर 1900 रुपए आने थे 1600 रुपए होता है कई बार सर। तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है, केवाईसी हमेशा आपको चेक करना है, वेरीफाई हुआ है नहीं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको पूरी प्रोफाइल दिखाएगा, नाम, आपकी आईडी, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से आप मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं अगर ऑलरेडी वेरीफाइड है, तब भी नहीं है तो भी आप यहाँ जाके अगर इस आइकन पे क्लिक करेंगे, पेन साइकन बना है उस पर क्लिक करते ही ये आ जाएगा। न्यू नंबर आप अगर अपलोड करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग नंबर को वेरीफाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सेंड एक्टिवेशन कोड करेंगे, इस मोबाइल नंबर पे 4 डिजिट का कोड आएगा, वो कोड डालते ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसका बाकी डिटेल है, आपकी पर्सनल डिटेल है, स्पाउस डिटेल है, बैंक डिटेल है, जो भी आपने कंपनी को दिए थे आईडी क्रिएट करते वक्त, और नॉमिनी डिटेल है, ठीक है। अपलोड केवाईसी आप करते हैं, अगर आपकी केवाईसी अप्रूव है तो आपको कुछ इस तरीके का शो करेगा, ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर रिजेक्टेड है कोई भी चीज तो उसके सामने ये रिजेक्टेड लिखा आएगा और उसके सामने ये ऑप्शन होगा दोबारा से अपलोड करने का। अगर वेरीफाइड है तो देखिए ऑप्शन नहीं आएगा,
अप्रूव है तो, अगर नहीं है तो ऑप्शन आएगा आप दोबारा से उसको अपलोड कीजिए सही डॉक्यूमेंट, कई बार गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोफाइल के बाद ऑर्डर, जो हम लगभग हफ्ते में बहुत बार यूज करते हैं। ऑर्डर में सबसे पहला है प्लेस ऑर्डर। अब प्लेस ऑर्डर में सबसे पहले आप आते हैं तो आपको सारे प्रोडक्ट की लिस्ट, फ्लिपचार्ट, टेम्पलेट, ये सारी लिस्ट है, इसमें से आप जो भी चाहते हैं वो आप क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं। जैसे सेलेक्ट कर लिया 100 पीपी के आसपास, तो ये टोटल आप देख रहे हैं 100 पीपी, हैंडलिंग चार्जेस वगैरह जोड़ के 12,390 का अमाउंट हो गया। 12,390 कैसे आता है सबको पता है? हमारे कोड की एक्चुअल प्राइस क्या है? 2,997.50, तो राउंड फिगर में हम 3100 लेके चलते हैं तो 12,400 होता है। तो 12,390 लेते हैं। उसके बाद यहाँ पेमेंट मोड आता है जिसमें आपको आ रहा है NEFT, RTGS, ठीक है, क्रेडिट डेबिट कार्ड, ई वॉलेट, UPI वॉलेट और NEFT वॉलेट। तो एक एक करके देखते हैं। जो सबसे पहला है आप यहाँ लेते हैं NEFT, RTGS। यहाँ कुरियर टाइप है, कुरियर टाइप में भी आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, पहला बाय सर्विस, दूसरा स्टोर पिकअप और तीसरा BOTR। स्टोर पिकअप सबको पता है, आपका जो नियरेस्ट कंपनी का हब है आप वहां से जाके डायरेक्टली पिकअप कर सकते हैं। अगर स्टोर पिकअप ऑप्शन आपने लिया है तो कंपनी आपका प्रोडक्ट डिस्पैच कर देगी, नहीं लेगी, ठीक है। बाय सर्विस लेना है आपको जब कंपनी से प्रोडक्ट डिस्पैच करवाने हैं बाय कुरियर, तो आप ये ऑप्शन लेते हैं। तो उसके बाद कंपनी आपको बोलती है अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कीजिए, वो ऑटोमेटिक टैब ऊपर चला जाता है पोस्ट ऑफिस के पास, आप अपना जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद NEFT, RTGS, जो भी आपने अगर UPI से ट्रांसफर किया है, गूगल पे से या किसी UPI के भीम से, तो आप यहाँ UPI ट्रांजेक्शन नंबर डालते हैं, एक 12 डिजिट का ट्रांजेक्शन नंबर होता है, वो यहाँ एंटर करते हैं और यहाँ चलान अपलोड करते हैं, या स्क्रीनशॉट मोबाइल से किया है तो, या फोटो खींचा है उसकी स्क्रीनशॉट अपलोड करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट डेबिट कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड लेते हैं फिर प्लेस ऑर्डर करते हैं, तो ये आपको मर्चेंट पे लेके जाता है पेयू मनी पे। यहाँ अमाउंट देख पा रहे हैं कितना है, किसी को दिख रहा है? 12,590। क्यों? 50 rupees पर प्रोडक्ट एक्स्ट्रा, जैसा कि आपको बताया था ये अमाउंट आपको यहाँ पे दिखा देगा कार्ड पर एक्स्ट्रा है। यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से या किसी भी बैंक की ऑनलाइन नेट बैंकिंग से या किसी UPI से या फिर इन सब जो वॉलेट है फोन पे, ऑक्सीजन, एयरटेल, इन सब से पे करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई वॉलेट। अगर आपके ई वॉलेट में बैलेंस है, आपने अपने पे आउट से ई वॉलेट में डाल रखा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ई वॉलेट लेके ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह UPI वॉलेट है, अगर आपने UPI में ऑर्डर पहले से अपना पैसा जमा करके रखा है तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। NEFT में किया है तो NEFT वॉलेट से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर स्टेटस। अब आपने ऑर्डर कर दिया लेकिन आपका ऑर्डर अप्रूव हुआ, रिजेक्ट हुआ, कैंसिल हुआ, वो आप चेक कर सकते हैं ऑर्डर स्टेटस पे, जो सेकंड टैब है। यहाँ आपने आज तक जितने भी ऑर्डर डाले हैं वो दिखा देगा। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये नीचे वाला जो ऑर्डर है ये अप्रूव है और ये वाला कैंसिल है। यहाँ से इजिली चेक कर सकते हैं डेट टाइम डाल के, विदाउट डेट टाइम भी आपको शो कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनवॉइस रिपोर्ट। कई बार लोग बोलते हैं कि सर मुझे बिल नहीं मिला, कंपनी का प्रोडक्ट आ गया लेकिन उसके साथ बिल नहीं आया, वैसे कम होता है, रेयरली होता है। आपको बिल की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप किसी को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं इजिली, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इनवॉइस में। आपने यहाँ से जितने ऑर्डर डाले हैं वो सब आपको यहाँ पे शो करता है। ये जो लास्ट में सिंबल बना है आईसा, हाँ जैसा सिंबल दिख रहा है आपको लास्ट में, आप इस पर क्लिक करके इस इनवॉइस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेम इनवॉइस जो आपको कंपनी प्रिंट आउट करके देती है। इस इनवॉइस में आप ध्यान से देखेंगे तो डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर भी लिखा होता है, कुरियर का नाम लिखा होगा। लोग बोलते हैं सर मेरा प्रोडक्ट अभी तक नहीं पहुंचा, अपलाइन को फोन करते हैं या किसी को भी फोन करते हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट की करेंट स्टेटस क्या है, वो कहां तक पहुंचा है। आप यहां ओपन करेंगे तो अगर DTDC है तो DTDC लिखा जाएगा और डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर लिखा जाएगा। इसको कॉपी कीजिए, गूगल पर डालिए DTDC कुरियर ट्रैकिंग, या जिस भी कुरियर का प्रोफेशनल कुरियर डिलीवरी एनी उसमें डालिए, ये ट्रैकिंग नंबर डालिए, वो आपको शो कर देगा आपका प्रोडक्ट अभी तक कहाँ पहुंचा। तो कर सकते हैं खुद बिना फोन किए आगे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा BOTM। BOTM पता है क्या होता है? विवा ऑन द मूव। अगर आप BOTM लेना चाहते हैं तो BOTM पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ BOTM, यहाँ से आप BOTM ले सकते हैं। उसके बाद है BOTM invoices, आपने जितने भी BOTM लिए हैं उसका invoice, और नेक्स्ट है
VOTM members, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों ने VOTM ले रखा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट PCM, जैसा कि बताया PCM आप लेना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं तो कंपनी ने ऑप्शन दिया है अवेल PCM और PCM मेंबर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने PCM होल्डर हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ आपका है कॉल पी कार्स, जैसे हम कस्टमर केयर में फोन करते हैं किसी भी काम के लिए तो ये आपको ग्राफिकल मोड में दिखाता है कि पीक टाइम क्या है, तो आप नॉन पीक टाइम पे कॉल करेंगे तो आपको ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ अनाउंसमेंट है, कंपनी नई नई चीजें अपग्रेड करती रहती है तो यहाँ पे अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी नई चीजें हैं कंपनी आपको यहाँ पे शो कर देगी। उसके बाद किसी को अपना पासवर्ड चेंज करना है तो सबसे ऊपर कोने में ऑप्शन है जहाँ आपका नाम लिखा होता है, उस पर क्लिक करने के बाद आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ नया पासवर्ड डालते हैं, दोबारा से वही कन्फर्म पासवर्ड डालते हैं और चेंज पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपनी आईडी से साइन आउट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल आईडीज है, अगर आपको जितना भी काम करना है कोशिश कीजिए वर्बली ना करके उसको रिटर्न में कीजिए थ्रू मेल, मोबाइल है सबके पास, बिना आजकल जीमेल के तो एंड्रॉइड वैसे भी चलता नहीं है और अगर आईफोन की बात करें तो उसमें भी ईमेल लगता है, तो फोन से ही आप ईमेल कीजिए, रिटर्न में रखिए सारी चीजें, लेकिन सही लोग इंसान को मेल करना है जो उसका कंसर्न पर्सन है। कोई भी आईटी से रिलेटेड इशू है, रैंक अपग्रेडेशन, पीवी नहीं शो कर रहा है, इन सब चीजों के लिए आप support@indusjiva.com पे कर सकते हैं। उसके अलावा आईडी एक्टिवेशन से रिलेटेड, आईडी एक्टिव नहीं हुई उसके लिए सेल्स पे, उसके अगर दिल्ली के हैं तो डायरेक्ट dilli.sales पे आप भेज सकते हैं। इंसेंटिव से रिलेटेड कोई है, कमीशन नहीं आया, कम आया, ज्यादा आया, ज्यादा में किया किसी ने मेल तो उसके लिए आप बोनस से रिलेटेड, किसी का जैसे स्टार्ट 500 बने हैं, नहीं आया, ज्यादा है, कम है, उसके लिए आप कर सकते हैं इंसेंटिव पे। कॉम्प्लायंस से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट या कुछ भी है आप कॉम्प्लायंस पे कर सकते हैं। फोटो, जब आप रूमी बनते हैं तो कंपनी आपकी एक फोटोग्राफ मांगती है आपके एप्लीकेंट के साथ मैगजीन में प्रिंट आउट करने के लिए, उसके लिए photo@indusjiva.com पे भेजना होता है। रूबी पिनिंग के लिए rubypinning@indusjiva.com, और इसके अलावा किसी भी काम के लिए, किसी भी चैलेंज के लिए आप एनी टाइम कस्टमर केयर पे, एनी टाइम नहीं, जो वर्किंग टाइम है 9 to 6 मंडे टू फ्राइडे, आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पे या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।